दोस्तों इस वक्त सभी को इंतजार है पृथ्वीराज चौहान के ट्रेलर की, लेकिन दोस्तों हम आपको इस वीडियो में ऐसी अपडेट देने वाले हैं शायद ये खबर आप ना सुनना चाहें। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से भारत में कोरोना वायरस नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बहुत ही तेजी से फैल रहा है। ऐसे में जर्सी और RRR जैसी फिल्में पोस्टपोन होने लगी है। इसी में दोस्तों आपको बता दें अक्षय कुमार एंड YRF ने इसीलिए दोस्तों इसका फिल्म का ट्रेलर रिलीज करने का ना फैसला लिया, क्योंकि अक्षय कुमार ऐसी गलती पहले भी कर चुके हैं जब उन्होंने सूर्यवंशी का ट्रेलर लॉन्च कर दिया था, लेकिन दोस्तों उसके बाद में लग गया था बहुत ही बड़ा लॉकडाउन और फिल्म रिलीज़ हुई थी लगभग साल डेढ़ साल बाद। अब आपको बता दें दोस्तों ये पूरा सर्टिफाइड ट्रेलर 2 मिनट 57 सेकंड का है पृथ्वीराज चौहान का। ये अब तक रिलीज़ हो जाना भी था, लेकिन एक बार फिर से सिनेमाघरों में अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि क्या सिनेमाघर एक बार फिर से बंद होंगे और कब तक के लिए होंगे मालूम नहीं, क्योंकि देश भर में फिर से कोरोना केसेस बढ़ने लगे हैं और सिनेमाघर अब शायद फिर से एक बार के लिए बंद हो सकते हैं। इसी कारण से पृथ्वीराज चौहान का ट्रेलर सामने नहीं आया। जब तक ये तय नहीं हो जाता कि सिनेमाघर क्या वापस बंद होंगे या नहीं, और जिन राज्यों में लॉकडाउन लग रहे हैं, नाइट कर्फ्यू लग रहे हैं, वहाँ पर ये कब तक चलने वाला है, नया वेरियंट कब तक शांत होगा, ये कई सवाल एक बार फिर से अक्षय और फिल्म के प्रोडक्शन हाउस YRF के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं। इसीलिए ट्रेलर पोस्टपोन किया गया है। अब कब आएगा ये तो दोस्तों समय आने पर ही पता लगेगा। आपको ये खबर सुन के कितना दुख लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें देखो देखो YouTube चैनल, ताकि आपको आने वाली खबर यहाँ मिलती रहे सबसे पहले।